खत्म हो जाती है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम संबंधित को कहते हैं। इसी तरह से आशा कार्यक्रम ये भारत विकास परिषद बाल संस्कार समिति के द्वारा था और इस कार्यक्रम में महिलाओं का सम्मान किया गया था। विभिन्न प्रकार की जो भी महिलाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों से जो महिलाएं आई हैं, मैं डॉक्टर आरती मोहन, मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और मैंने भी इसमें वेबिनार्स में पार्टिसिपेट किया था। लोगों को कुपोषण मुक्त भारत का एक कैंप चला था वेबिनार में, तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। उसी के अंतर्गत मुझे जो डॉक्टर यहाँ पे अंकुर निगम जी हैं, उन्होंने इन्वाइट किया था और उसमें सम्मानित हो रहे हैं और ये एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। इनका टाइम जो है काफ़ी लंबा है और कई सारी महिलाओं को पे सम्मानित किया गया है। महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है, विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जो महिलाएं नहीं जानती हैं उनको भी इसके बारे में अवगत करा रहे हैं। और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बस महिलाओं का उत्थान और उनके निर्माण का है। महिलाओं का इसमें बहुत ज़्यादा उत्थान होगा और बहुत सारी क्षेत्रों की महिलाएँ इसमें सम्मिलित हैं। दूर दूर से, बाहर झांसी से, लखनऊ से काफ़ी सारे गेस्ट भी आए हैं, तो महिलाओं को इसके बारे में बताया जा रहा है। उनके जो भी कानून है, कानून संबंधी चीज़ों के बारे में यहाँ पर कुछ पुलिस की भी महिलाएँ हैं जो उनको उसके बारे में अवगत करा रही हैं और जो भी कार्यशैली महिलाओं की कैसी होनी चाहिए, महिलाओं को कैसे क्या रहना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी। और मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं यहाँ पे महिलाओं को उनके खान पान के बारे में, जीवन शैली के बारे में उससे अवगत कराऊँ।